makes us lose our peace. हम हमारी शांति जो है वो बीमारी की वजह से खो बैठते हैं। In Mark chapter 5 and verse 26, मरकुस 5 और उसके 26 में, there was a lady with an issue of blood for 12 years. एक महिला थी, स्त्री थी, जिसको 12 साल से लहू बहने का रोग, and she had gone to all the doctors. और वो सारे डॉक्टरों के पास जा चुकी। The Bible says one doctor after another. और बाइबल कहती है एक के बाद दूसरे डॉक्टर के पास वो जाती। Spent all her money. और पूरा पैसा वो खर्च कर चुकी थी। 12 years. 12 वर्ष। She was not at all healed. और वो चंगाई को नहीं पा सकी थी। Heart was broken. उसका दिल टूट चुका था। Trouble. परेशान थी। Lost her peace. अपनी शांति खो बैठी। It was at that time. और ये उस समय। She heard Jesus was passing by her village, her city. उसने सुना कि यीशु मसीह उसके गांव, उसके नगर से होकर जाने वाले। Was a big crowd. और एक बड़ी भीड़ थी यीशु के चारों ओर। Touched the garment of Jesus. लेकिन ऐसे में भी उसने यीशु के वस्त्रों को छुआ। And the Bible says instantaneously she was healed. और फिर बाइबल कहती है कि उसी समय उस वो अपनी बीमारी से अच्छी हो गई। And Jesus spoke to her. और यीशु मसीह ने उससे कहा, and said, go in peace. कि तू शांति से जा। Your faith has saved you. तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। Go in peace, my daughter. मेरी बेटी, कुशल से जा। You have suffered without peace because of your sickness. बीमारी की वजह से बिना शांति के तूने बहुत दुख उठाए। Tonight Jesus is ready to give you peace by healing your sickness. आज की रात यीशु तैयार है आपकी बीमारी से चंगाई देकर आपको शांति देने के लिए। The Bible says in Isaiah 53:5. और बाइबल कहती है यशायाह 53:5 में, The chastisement of our peace came upon Jesus. कि हमारी ही शांति के लिए यीशु मसीह पर यातना पड़ी। And he became wounded for our sake. और हमारी वजह से वो घायल किया गया। And by the wounds, the stripes in the body of Jesus, we are healed. और यीशु के शरीर पर उस घाव की वजह से आज हम चंगे हुए, उस कोड़े खाने से चंगे हुए। Tonight you can be healed. आज की रात आप चंगाई पा सकते हैं। You can have peace. आप भी शांति को पा सकते हैं। By being healed. चंगाई के द्वारा। Jesus will heal you. यीशु मसीह आपको चंगाई देगा। There's a wonderful testimony. एक बहुत ही अच्छी गवाही। Let's listen to Sister Shanti. और बहन शांति की गवाही को सुने। मेरा नाम शांति कुमारी भरद्वाज है। मैं जिला जानकी चापा से आई। बचपन में जब मुझे बहुत सारा बीमारी हो गया था, माइग्रेन पेन और निमोनिया, और जो गले में बहुत सारा दर्द हो गया था, मैं बात भी नहीं कर सकती थी और बहुत सारा बीमारी मुझे जकड़ लिया था। तो मैं बहुत, मेरे मम्मी पापा झारखंड में सर्विस भी करते थे, तो वहाँ भी मैंने इलाज करवाया। फिर उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ के हर डॉक्टर में मैंने देखवाया और सारी रिपोर्ट भी मैंने लाया है। और फिर मुझे कुछ भी, मतलब 7 लाख तक पैसे मेरे घर वाले लोग ने खर्च किया। उसके बाद कोई भी मुझे चंगाई नहीं मिला। डॉक्टर पॉल दिनाकरन और लोग, मतलब भिलाई नगर छत्तीसगढ़ में जब पहली बार आ रहे हैं, तो मैं उस समय रोज, मुझे ना एक दिन में रोज 2200 का जो 4-5 दिन से मुझे इंजेक्शन लगना था। फिर उसके भी मैं रो रो कर इतना प्रार्थना की, प्रभु यदि आज डॉक्टर पॉल दिनाकरन मुझे नहीं जानते हैं, न मैंने उसे जानती हूँ, मगर आज उसके द्वारा मेरा नाम पुकारा। कोई कहता है कि प्रभु की कोई परीक्षा नहीं लेता है, मगर मैंने परमेश्वर की परीक्षा ली। प्रभु तू सच्चा परमेश्वर है, तो डॉक्टर पॉल दिनाकरन के द्वारा मेरा नाम पुकारा जाए। इधर गला में पूरा मेरा सूजन था, मैं बात भी नहीं कर सकती थी। और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा गया। There is a person called Shanti here. और यहाँ पे एक महिला जिसका नाम शांति है। From head to foot you have problems. सिर से लेकर पांव तक तेरी समस्या है। And in every area of your life you have problems, sister Shanti. और बहन शांति, आपके जीवन के हर एक क्षेत्र में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। God comes upon you right now. परमेश्वर की सामर्थ्य इसी समय आप पर आ रही है। God is making you a prophetess right now. और इसी समय परमेश्वर आपको भविष्य तक Receive the touch of God. परमेश्वर के स्पर्श को पाएं। Receive the power of God. परमेश्वर की सामर्थ्य को पाएं। God is transforming you. परमेश्वर आपको बदल रहा है। Every problem in the tooth is being healed. और दांत के हर एक जो समस्या है उसमें चंगाई आ रही है। Right now. इसी समय। Right now. इसी समय। फिर उस दिन से मैं चंगी हो गई। अब पवित्र आत्मा का सामर्थ भी मुझे उतना मालूम नहीं था क्या होता था। इस अंगूठे से मुझे कुछ शक्ति भर आ गया। और फिर ना मैं, मतलब पूरा मेरे शरीर, मेरा आग बंद हो गया। मैं कितना भी चाहती थी तो
मैं आँख खुलता नहीं था। फिर उसके बाद मुझे मैंने चंगाई प्राप्त किया। जब मैं भिलाई नगर से गई तो फिर मुझे जो मिला था आशीष, उसके बाद मैं बाइबल कॉलेज नागपुर चली गई और नागपुर में मैंने एक साल बाइबल अध्याय किया। फिर उसके बाद मैंने एक साल का फील्ड पूरा किया कोंडा गांव बस्तर में, वहाँ भी मैंने एक साल का सेवा किया। Jesus, she's full of tears. अरे क्या आंसू बह रहे हैं? So real. कितना सच बात है। So real. कितनी वास्तविकता है। That was the time when all your sorrows left, isn't it, sister? ये वो ही समय था ना बहन, जब आपकी सारी समस्याएं आपको छोड़कर चली गई थी। जीवन आपकी चंगाई के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। Put your hands on the place where you have the sick. अपने हाथ को अपने शरीर पे वहाँ रखें जहाँ पर आपको बीमारी है। Paul Dinakaran is not the healer. Paul Dinakaran चंगाई नहीं देता। I am praying along with you to Jesus. मैं आपके साथ मिलकर यीशु से प्रार्थना करने जा रहा हूँ। He is the healer. क्योंकि चंगाई यीशु देता है। He is God. क्योंकि वो परमेश्वर है। And he has wounds in his hands. और उसके हाथों में घाव है। Wounds on his head. उसके सिर पे घाव है। Wounds on his legs. उसके पैरों में घाव है। Even though he is God, yet he carries it. और भले वो परमेश्वर है, फिर भी वो अपने घाव को लिए चलता है। To heal you. आपको चंगाई देने के लिए। आपको चंगाई देने के लिए। आपको चंगाई देने के लिए। He has compassion on you. आप पर वो तरस खा रहा है। He has suffered just like you are suffering. जैसे आप दुख उठा रहे हैं, उसने भी दुख उठाया। Jesus has compassion. यीशु मसीह आप पर तरस खा रहा है। Put your hands on the place where you have the sick. आपके शरीर में जहाँ बीमारी है, अपना हाथ वहीं रखें। Or put your hands upon your chest. या अपना हाथ अपनी छाती पर रखें। Now let's expect Jesus deliverance. अब चाहत रखें कि यीशु मसीह हमें छुटकारा दे। Let's pray together. साथ मिलकर प्रार्थना करें। We will agree together. हम साथ मिलकर सहमति से प्रार्थना करेंगे। Lord Jesus, प्रभु यीशु, You have said, ask anything in my name, and I will do it. आपने कहा तुम मेरे नाम से चाहे जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हारे लिए करूंगा। Together we pray. एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें। In the name of Jesus, यीशु मसीह के नाम में। That you would heal everybody, Lord. प्रभु हर एक को आप चंगाई दे प्रभु। Heal every one of these thy dear children. इनमें से हर एक को आप चंगाई दे, ये आपकी संतानें हैं। Remove their sickness, Lord. इनकी बीमारी को इनसे दूर करें। Remove their diseases, Lord. इनकी बीमारी को इनसे दूर करें। And create brand new organs in their body. इनके शरीर में नए अंगों का निर्माण करें। Brand new organs. बिल्कुल नए अंग बना दें। Touch them by your stripes, Lord Jesus. अपने कोड़े खाए जाने से इन्हें छू ले प्रभु। And he. और इन्हें चंगाई दे। Holy Spirit of God, परमेश्वर की पवित्र आत्मा, recreate their organs, इनके शरीर के खराब हुए अंगों को नया बना दे। And make it new, और बिल्कुल नया बना। Make them new, इन्हें नया बना। Let all the demon powers leave, और सारी दुष्टात्मा की ताकतें इन्हें छोड़ दे। The demon powers which have brought the sicknesses leave in Jesus' name. वो दुष्टात्माएं जिनकी वजह से इनके शरीर में बीमारी आई, वो दुष्टात्माएं इन्हें छोड़ दे। Let every organ be healed in Jesus' name. इनके शरीर का हर अंग चंगाई पाए यीशु के नाम में। From head to foot. सिर से लेकर पांव तक। Head to foot. सिर से पांव तक। Let all of them have new organs. इनमें से हर एक के शरीर में नए अंग हो। No more suffering. अब दुख उठाना न हो। No more. दर्द अब इनको न हो। No more running from pillar to post for medical. और जो है अपनी चंगाई पाने के लिए वैद्य की चिकित्सा के लिए इन्हें दर्द भटकना न पड़े। The doctors have done their best, Lord. प्रभु डॉक्टरों ने जो कर सकते हैं इनके लिए बेहतर किया है प्रभु। But it is beyond them many times. लेकिन कई बार जो हमारी बीमारी डॉक्टरों की सीमा से बाहर होती है। Bless the efforts of the doctors. प्रभु डॉक्टर की जो प्रयत्न है उन्हें आशीष दे। But you are the healer. लेकिन चंगाई दाता तो आप। You are the healer. आप चंगाई दाता हैं। Jesus. यीशु। Our Lord. हमारे प्रभु। You are the healer. आप चंगाई दाता हैं। We believe you. हम आप पर विश्वास करते हैं। We believe you, Lord. प्रभु हम आप पर विश्वास करते हैं। This agony tonight. आज की रात इस पीड़ा का अंत कर प्रभु। You are God.
आप परमेश्वर हैं। You can heal everybody। आप हर एक को चंगाई दे सकते हैं। Every disease। हर एक बीमारी से। You have suffered on the cross for everyone। हर एक के लिए आपने क्रूस पर दुख उठाया है। Remember the agony of your people। अपने लोगों की पीड़ा को याद करें। See the tears। इसके आंसुओं को देखें। Especially the little children, what have they done, Lord? They are suffering। विशेष करके damaged kidney and so on। ओ प्रभु, छोटे बच्चों ने क्या किया है प्रभु, वो इतना दुख उठा रहे हैं। उन्हें चंगाई दे, स्पर्श कर। डैडी उन्हें चंगाई दे। Please heal them। मेहरबानी करके चंगाई दे। मेहरबानी करके चंगाई दे। One should go with sickness, Lord। प्रभु यहाँ आया कोई भी व्यक्ति अपनी बीमारी के साथ वापस। They have sacrificed so much of come with the longing। ओ प्रभु, बड़ी चाहत के साथ, बड़े त्याग के साथ ये यहाँ पर आए हैं। You are God। आप परमेश्वर हैं। You are God। आप परमेश्वर हैं। Heal your people। अपने लोगों को चंगाई। Everyone। हर एक। Than he that is in the world। बजाय उसके जो इस संसार में। Is healing you right now। वो इस समय आपको चंगाई। Right now। इसी समय। Right now। इसी समय। Is answering your prayers right now। वो आपकी प्रार्थना का इसी समय उत्तर दे। God's glory is coming upon everybody। परमेश्वर की महिमा हर एक पर उतर रही है। Is giving you brand new organs। वो आप को नया आत्मा, brand new life, नया जीवन, brand new spirit, नया आत्मा।